हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल anujindal.in। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ बेसिक्स बताए थे, तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ लेके आ पाए, ताकि आप अपना UGC नेट पेपर क्रैक कर पाए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताया था और उसमें मैंने आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, जो हमारी चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं ए, ई, आई एंड ओ, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, मैंने उनके बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जैसे कि ए और ई जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, आई और ओ इनके बीच का रिलेशन सब कॉन्ट्ररी, और ए ओ और आई ई इनके बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए एंड आई या फिर ई एंड ओ, इनके रिलेशन को हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न। तो ये हमने बेसिक चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, आज हम इसी को एक स्टेप फर्दर आगे लेके जाएंगे और आज हम देखेंगे कि अगर एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ट्रू है तो दूसरी ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, यानी कि ए एंड ई की बात करेंगे हम। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्ररी, इनको कॉन्ट्ररीज कहते हैं, ए एंड ई। आपको पता है ए है यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड ई है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो ए एंड ई की अगर हम क्वांटिटी या क्वालिटी की बात करें, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो हमें पता है ए जो है वो भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एंड ई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इनकी क्वांटिटी सेम है बट क्वालिटी में फर्क है। क्वालिटी में फर्क क्या है, ए है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड ई है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट। ये बेसिक स्टफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोज में। अब हम बात करते हैं इनके ट्रू और फॉल्स की। तो ए एंड ई जो है, अब सपोज करिए If A is true, मैं कह देता हूं, मान लीजिए A true है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। हम स्टेटमेंट देते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स। अगर मैं कहता हूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, ये आपके डॉग्स एंड ये बड़ा सर्कल आपका कैट्स, सो ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है इफ ए इज ट्रू, तो आप बताइए ई का हम क्या कह सकते हैं। तो ई जो होगा उस केस में ई विल बी फॉल्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर ऑल डॉग्स आर कैट्स है तो हमारी ई स्टेटमेंट क्या बनती है, नो डॉग्स आर कैट्स। तो आप खुद ही देख के बता सकते हैं अगर ऑल डॉग्स आर कैट्स ट्रू है तो ई तो फॉल्स होगा ना, क्योंकि सब आप इस डायग्राम को देख के बताइए ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो क्या नो डॉग्स आर कैट्स यहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर ई ट्रू है, इफ ई इज ट्रू देन ए विल बी फॉल्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कॉन्ट्ररीज के बारे में, दैट बोथ कैन नॉट बी ट्रू। दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों ट्रू नहीं हो सकते। तो हमारे पॉसिबल सिनेरियोस कॉन्ट्ररी में क्या बनेंगे, अगर मैं आप यहां पे आपको बनाऊं, दिस इज ए स्टेटमेंट, दिस इज ई स्टेटमेंट, तो ए ट्रू है तो ई कैन बी फॉल्स, ए फॉल्स है तो ई ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो आपके ये सिनेरियो बन जाते हैं बट दोनों ट्रू नहीं हो सकते। तो मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल देके भी बता देता हूं। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ये वाला, ए ट्रू है और ई फॉल्स है, ऐसे ही अगर ई ट्रू है तो ए फॉल्स होगा। तो मान लीजिए ई है नो डॉग्स आर कैट्स, तो ये हमारे डॉग्स और ये हमारी कैट्स, तो यहां पे हमारा ई ट्रू है बट क्या ए हमारा ट्रू हो रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, नहीं, तो ए फॉल्स है। और दोनों फॉल्स का केस भी मैं आपको लेके दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारा जो रिलेशन है डॉग्स और कैट्स में, मान लीजिए वो ऐसा है, ये आपके डॉग्स, ये आपके कैट्स, ये आपके कैट्स एंड ये इनके बीच का कॉमन एरिया। तो इस केस में आप देखिए ऑल डॉग्स आर कैट्स सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ऑल तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा पार्ट ही है, राइट। एंड ई देखिए नो डॉग्स आर कैट्स, वो स्टेटमेंट भी सही नहीं है क्योंकि कुछ पार्ट तो कॉमन है।
तो इस केस में हमारा ए भी फॉल्स है एंड ई भी फॉल्स है। सो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी दो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं जो दोनों फॉल्स हो सकती हैं बट दोनों ट्रू नहीं हो सकती। सो दे बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकती हैं बट दोनों ट्रू नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है और ये मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है। कॉन्ट्रेरी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सब कॉन्ट्रेरी। तो सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? आई एंड ओ। आई मीन्स पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड ओ मीन्स पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अगर मैं इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूं तो आई है आपकी पर्टिकुलर एंड ओ भी आपकी है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटी, तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आई आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड ओ आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये बेसिक स्टफ तो आपको पता है। अब हम बात करते हैं इनके ट्रू एंड फॉल्स होने की, राइट? तो एक एक केस लेके बात करते हैं। तो अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूं तो आई एंड ओ दे बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। तो अगर आप देखें कॉन्ट्ररी से उल्टा है। कॉन्ट्ररी में हमने क्या बोला था? बोथ कैन बी फॉल्स बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू, राइट? बट यहां पे हम क्या कह रहे हैं? बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। यानी कि हमारे केसेस क्या बनेंगे यहां पे? हमारे यहां पे तीन केसेस बनेंगे, ये आपका आई एंड ये आपका ओ। तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, और पहला फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो, बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ। तो यहां पे आपके ये तीन सिनेरियो बनेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये तीन पॉसिबिलिटी है, बट फॉल्स फॉल्स ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको शो करता हूं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू एंड ट्रू। तो आपकी आई स्टेटमेंट क्या बन जाती है? अगर मैं पिछला एग्जांपल लेके चलूं डॉग्स एंड कैट्स वाला, तो आई बन जाएगी सम डॉग्स आर कैट्स एंड ओ क्या बनेगी? सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स आई एंड ओ बन गई है। अब हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों ट्रू हो, ऐसा कब होगा? तो सपोज करिए हमारा कुछ केस ऐसा है, ये डॉग्स आपके, ये कैट्स और ये इनका कॉमन एरिया। तो यहां पे आप देखिए सम डॉग्स आर कैट्स, ये भी ट्रू हो रहा है क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन एरिया है। एंड सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये भी सही है क्योंकि ये जो डॉग्स हैं ये वाले, ये कैट्स नहीं है। तो आप देखिए ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल है। सेकंड की बात करें ट्रू एंड फॉल्स, तो मान लीजिए हमारा केस कुछ ऐसा है कि ये डॉग्स हैं और ये कैट्स। तो देखिए डॉग्स इनर सर्कल है और कैट्स आउटर सर्कल है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए हमारी जो आई स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे जो इनर सर्कल है वो डॉग्स है एंड आउटर सर्कल कैट्स है। तो सारे के सारे डॉग्स कैट्स के अंदर लाए कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए अगर सारे डॉग्स कैट्स का पार्ट है तो कुछ डॉग्स भी कैट्स का पार्ट होंगे ऑब्वियसली। तो ये स्टेटमेंट तो यहां पे सही है। बट अगर मैं इसकी बात करूं सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो देखिए ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो रही है क्योंकि ऐसा कोई भी डॉग नहीं है जो कैट का पार्ट ना हो। तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड केस भी यहां पे पॉसिबल है। और अब अगर मैं थर्ड केस की बात करूं जहां पे हमारी ओ स्टेटमेंट ट्रू हो और आई स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो मान लीजिए हमारा केस कुछ ऐसा है कि ये हमारे डॉग्स एंड ये हमारी कैट्स। तो यहां पे आप देखिए डॉग्स और कैट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारी जो ओ स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है क्योंकि डॉग्स और कैट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नो डॉग इज अ कैट, ये वो वाला डायग्राम है, नो डॉग इज अ कैट। तो अगर नो डॉग इज अ कैट है तो सम डॉग्स आर नॉट कैट्स भी ट्रू होगा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ई स्टेटमेंट को हम ओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये ई वाला सिनेरियो है तो ओ तो ऑब्वियसली सही होगा, अगर ई वाला है तो ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो इस केस में हमारी ओ स्टेटमेंट तो सही है बट हमारी आई स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाती है क्योंकि आई स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सम डॉग्स आर कैट्स, बट यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस वाले वेन डायग्राम में ओ तो ट्रू है, तो ओ तो यहां पे ट्रू हो जाती है बट आपकी आई यहां पे फॉल्स हो जाती है। तो आपका थर्ड केस भी सही है। तो आप देखिए ये तीनों केस के डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिए, बट हम ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते जहां पे दोनों फॉल्स हो, वो पॉसिबल नहीं है बनाना, राइट? नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो ये कौन सी होती हैं? ए एंड ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं और ई एंड आई कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, राइट?
तो पहले हम बात करेंगे ए एंड ओ की। तो अगर मैं ए एंड ओ की बात करूं तो आपको पता है अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूं तो ए तो आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और जो ओ है वो है आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट। और अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो ए आपकी है पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड ओ इज योर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आप देखिए ए एंड ओ में जो है ना क्वांटिटी सेम है ना क्वालिटी सेम है, जबकि कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी में हमने जो डिस्कस करा है वहां पे हमारी क्वांटिटी सेम थी, बस क्वालिटी अलग थी। बट यहां पे क्वांटिटी भी अलग है एंड क्वालिटी भी अलग है, दोनों में फर्क है। बट यहां पे आप देखेंगे तो क्वांटिटी भी अलग है एंड क्वालिटी भी अलग है, राइट। तो यहां पे रिलेशन क्या होता है इनके बीच में कि दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू और दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। तो दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते और दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा और अगर दूसरा ट्रू है तो पहले को फॉल्स होना पड़ेगा। तो यहां पे दो आपके पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो ये आपका ए एंड ओ है, तो इफ दिस इज ट्रू देन दिस हैज टू बी फॉल्स एंड इफ दिस इज ट्रू देन दिस हैज टू बी फॉल्स। तो यहां पे आपके ये दो केसेस ही बनेंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो मैं आपको यहां पे शो करता हूं बना के। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारी ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑल डॉग्स आर कैट्स, एंड हमारी ओ स्टेटमेंट हो जाएगी सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहां पे बन जाती है। अब हम बात करते हैं पहले वाले केस की जहां पे ए ट्रू है एंड ओ फॉल्स है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, दिस इज डॉग्स एंड दिस इज कैट्स। तो देखिए ए स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सो दिस इज ट्रू। बट सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ऐसे तो कोई भी डॉग्स यहां पे नहीं है जो कैट्स का पार्ट ना हो, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ए ट्रू, ओ फॉल्स। और अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जहां पे ओ ट्रू होगा बट ए फॉल्स होगा। तो ये हमारे डॉग्स हैं एंड ये कैट्स। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, डॉग्स एंड कैट्स। तो देखिए यहां पे ये जो डॉग्स हैं, दीज डॉग्स, ये कैट्स का पार्ट नहीं है। तो सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, वो ये वाला एरिया है। तो ओ स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, राइट। तो ओ स्टेटमेंट ट्रू है। बट अब आप ए स्टेटमेंट पे आ जाइए, ऑल डॉग्स आर कैट्स, क्या सारे डॉग्स कैट्स हैं, नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पे हमने देख लिया ये दो केस ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ट्रू हो जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों फॉल्स हो जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रू होगा तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा और दूसरा ट्रू है तो पहले को फॉल्स होना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ए एंड ओ या फिर जो ई एंड आई है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं इनको हम, कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स। तो कई बार सिलॉजिज्म के या वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा और ये दे रखा होगा, ए एंड ओ या फिर ई एंड आई भी दे रखे होंगे। तो उस केस में क्या होता है, आपका सोल्यूशन होता है कि या तो ये पॉसिबल है या फिर ये, ईदर ऑफ द टू, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कई बार आपका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ई एंड आई। तो ई होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव और आई होता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ई जो है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एंड आई है हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, देन ई इज योर नेगेटिव स्टेटमेंट एंड आई इज योर पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी भी अलग है और क्वालिटी भी अलग है, दोनों अलग है। तो यहां पे भी दो ही केसेस पॉसिबल हैं, जैसे मैंने आपको ए एंड ओ में बताया। सो ई एंड आई, इफ ई इज ट्रू देन आई हैज टू बी फॉल्स एंड इफ आई इज ट्रू देन ई हैज टू बी फॉल्स। तो यही दो केसेस यहां पे भी पॉसिबल हो पाएंगे। तो फिर से मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो कर देता हूं। तो हम हमारी ई स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ई स्टेटमेंट हमारा हो गया नो डॉग्स आर कैट्स एंड आई स्टेटमेंट क्या हो गया, सम डॉग्स आर कैट्स। तो ये हमारी ई एंड आई स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। तो पहले फर्स्ट केस लेंगे जहां पे ई ट्रू है और आई फॉल्स है। तो नो डॉग्स आर कैट्स, तो ये आपके डॉग्स, ये कैट्स। तो आप देख लीजिए यहां पे ई स्टेटमेंट जो है नो डॉग्स आर कैट्स, ये ट्रू हो रही है। बट आई स्टेटमेंट क्या बोलती है, सम डॉग्स आर कैट्स, यानी कि डॉग्स एंड कैट्स के बीच में कुछ तो कॉमन है। बट क्या यहां पे कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट ले लूं जहां पे आई ट्रू है और ई फॉल्स है, तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो यहां पे डॉग्स एंड कैट्स के बीच में कुछ कॉमन एरिया है।
तो आपके यहां पे आई स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगी बट ई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो यहां पे भी ये दो केस पॉसिबल हो पाएंगे, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती और दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। अब हम अपने लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन पे आ जाते हैं, सब ऑल्टर्न प्रोपोजिशन। तो ये हमारा फोर्थ एंड फाइनल टाइप का है। तो इसमें आपकी ए एंड आई आती है और ई एंड ओ आती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ए एंड आई स्टेटमेंट्स। तो ए एंड आई, यहां पे आपको पता है अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूं तो ए आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एंड आई आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। तो इनकी क्वांटिटी अलग होती है पर इनका क्वालिटी सेम होता है। सो देयर क्वालिटी इज सेम बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो दोनों पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब अगर मैं इनके बीच के रिलेशन की बात करूं, तो यहां पे आपका ए स्टेटमेंट, यहां आई स्टेटमेंट। तो अगर ए स्टेटमेंट ट्रू है, इफ यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है आपकी, अगर वो ट्रू है, इफ ए इज ट्रू, देन आपके आई को हमेशा ट्रू होना पड़ेगा। सो आई विल ऑलवेज बी ट्रू, राइट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कन्वर्जन में भी बताया था कि अगर ए स्टेटमेंट है तो वो आई में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर ए स्टेटमेंट ट्रू है तो आई हमेशा ट्रू होगी। बट अगर ए स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ए स्टेटमेंट फॉल्स है तो आई ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो हम कांट से, वी कैन नॉट से कि वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, बिकॉज इट कैन बी ट्रू ऑल्सो एंड इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अभी मैं इन सबके आपको डायग्राम बना के शो करूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन। तो अगर ए ट्रू है तो आई हमेशा ट्रू होगा, बट अगर ए फॉल्स है तो आई ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, राइट। ऐसी में अगर उल्टा जाऊं, आई से ए पे आऊं, तो उसकी बात करते हैं। अगर आई ट्रू होगा तो ए के बारे में हम कह नहीं सकते, वी कांट से, बिकॉज ए ट्रू भी हो सकता है और ए फॉल्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। बट अगर आई फॉल्स है तो ए हमेशा फॉल्स होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा, ए फॉल्स है तो आई ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो सो वी कांट से। बट आई अगर ट्रू है तो ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट अगर आई फॉल्स है तो ए हमेशा फॉल्स होगा, राइट। तो इन दोनों में, ऊपर वाले दोनों में हम ए से आई पे जा रहे हैं और नीचे वाले दोनों में हम आई से ए पे आ रहे हैं। एरो देखिए आप, यहां पे हम ए से आई पे जा रहे हैं, यहां पे हम आई से ए पे आ रहे हैं। तो कई बुक्स में इस ऊपर वाले को सब ऑल्टर्न कह देते हैं, जिसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और नीचे वाले में जिसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं उसको हम सुपर ऑल्टर्न भी कह देते हैं, सब ऑल्टर्न, सुपर ऑल्टर्न। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेन आपको ये समझना है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो कांट से, ये ट्रू है तो ये कांट से, और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, राइट। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको शो करता हूं। तो पहले मैं बात करता हूं, ए अगर ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा हमेशा। तो इसको मैं शो करके दिखाता हूं आपको। तो हमारी ए स्टेटमेंट क्या है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, और हमारी आई स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स, राइट। तो अब इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो करता हूं आपको। तो ये हमारे डॉग्स एंड ये कैट्स। तो अब देखिए, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो ये स्टेटमेंट यहां पे ट्रू हो रही है। तो अगर ये ट्रू है तो आप देखिए ये भी ट्रू होगी, ऑल डॉग्स आर कैट्स ट्रू है तो सम डॉग्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर मैं इस डॉग्स का कुछ पार्ट ले लूं, मान लीजिए ये, तो ये वाला पार्ट भी तो कैट्स का ही पार्ट है। तो ए ट्रू है तो आई हमेशा ट्रू होगा। बट अगर ए फॉल्स है, सो अगर ए फॉल्स है तो आई के बारे में हम कह नहीं सकते, वी कांट से, बिकॉज आई कैन बी ट्रू ऑल्सो एंड आई कैन बी फॉल्स ऑल्सो। तो मैं आपको इसको भी डायग्राम के थ्रू शो करता हूं। तो यहां पे मैं आपको दोनों केस दिखाता हूं, अगर ए फॉल्स है तो आई ट्रू भी हो सकता है और ए फॉल्स है तो आई भी फॉल्स हो सकता है। तो अगर हमारा केस कुछ ऐसा है, ये डॉग्स एंड ये कैट्स, और ये कॉमन एरिया है मान लीजिए, तो यहां पे ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट तो यहां पे आपकी फॉल्स हो जाती है क्योंकि सारे डॉग्स कैट्स नहीं है, बट सम डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो रहा है। ऐसे अगर मैं दूसरा केस लूं,
मान लीजिए आपका केस ये है, यहां पे ये डॉग्स एंड ये कैट्स, तो यहां पे भी ऑल डॉग्स आर कैट्स जो है ये अगेन आपका फॉल्स हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये भी आपका यहां पे फॉल्स हो जाता है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए हमने यहां पे लिखा कि अगर ए फॉल्स है तो वी कैन नॉट से अबाउट आई, राइट। अब मैं उल्टा अगर चलता हूं, अभी हम गए थे ए से आई पे, अब हम जाएंगे आई से ए पे, यानी कि सुपर ऑल्टर्न, राइट। तो अगर मैं आई से ए पे जा रहा हूं, तो मान लीजिए अगर आई ट्रू है तो ए जो है हम नहीं कह सकते कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वी कैन नॉट से। बट अगर आई फॉल्स है तो ए भी डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। आई ट्रू है तो ए के बारे में हम कह नहीं सकते, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बट अगर आई फॉल्स है तो ए को भी फॉल्स होना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू शो करता हूं, पहले इसकी बात करते हैं। अगर आई ट्रू है तो मैं आपको यहां पे दो केस बना के दिखा देता हूं, आई ट्रू है तो ए भी ट्रू हो सकता है और आई ट्रू है तो ए फॉल्स भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं ये, तो हमारी आई स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स, और हमारी ए स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो ये हमारी आई स्टेटमेंट और ये हमारी ए स्टेटमेंट। अब हम यहां पे वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ये इनर सर्कल डॉग्स और ये आउटर सर्कल कैट्स, राइट। तो यहां पे आप देखिए सम डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है क्योंकि डॉग्स कैट्स के अंडर लाई कर रहे हैं ना, तो सारे डॉग्स लाई कर रहे हैं कैट के अंडर, तो सारे डॉग्स जो है वो कैट का पार्ट है, तो कुछ डॉग्स भी कैट का पार्ट होंगे, तो ये ट्रू है। और यहां पे आप ये देखिए ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये भी ट्रू हो रहा है, तो यहां पे दोनों ट्रू है। बट यहां पे अगर मैं दूसरा केस बनाऊं, तो मान लीजिए अगर ऐसा है आपका वेन डायग्राम डॉग्स एंड कैट्स और ये इनके बीच में कॉमन, तो यहां पे सम डॉग्स आर कैट्स ये तो ट्रू है क्योंकि डॉग्स और कैट्स में कुछ कॉमन है, बट क्या सारे डॉग्स कैट्स हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं अगर आई ट्रू है तो ए के बारे में वी कैन नॉट से, बिकॉज ए ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो अगर आई फॉल्स है तो ए भी हमेशा फॉल्स होगा। अब इसको देखते हैं, तो सम डॉग्स आर कैट्स, अगर ये फॉल्स है तो किस टाइप का वेन डायग्राम हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा रिलेशन ऐसा है, ये डॉग्स और ये कैट्स इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे सम डॉग्स आर कैट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो आप देखिए अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये तो फॉल्स हो ही जाएगी क्योंकि ऑल डॉग्स आर कैट्स भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगी। तो ये हमने डिस्कस करा सब ऑल्टर्न रिलेशन बिटवीन ए एंड आई, ये हमने केसेस देख लिए। अब हम बात करेंगे ई एंड ओ के बारे में, जो कि हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। देखिए हमारी ई एंड ओ, तो अगर मैं इन दोनों की क्वांटिटी की बात करूं, तो ई आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और ओ है पर्टिकुलर, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो ई आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है एंड ओ इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहां पे क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी दोनों की सेम है। और यहां पे अगर मैं इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करूं, तो दिस इज योर ई स्टेटमेंट एंड ओ। सो अगर हम ई से ओ पे जाते हैं, तो अगर इफ ई इज ट्रू, अगर ई ट्रू है तो ओ हमेशा ट्रू होगा, जैसे कि हमने ए एंड आई के बीच में भी देखा था, वही सेम रिलेशन होता है ई एंड ओ के बीच में भी, बस डिफरेंस ये था कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, बाकी रिलेशनशिप सेम है। तो ये अगर ट्रू है तो ओ ट्रू होगा, बट अगर ई फॉल्स होता है, अगर ई फॉल्स होता है तो ओ के बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि ओ ट्रू भी हो सकता है और ओ फॉल्स भी हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया सब ऑल्टर्न। अब अगर हम ओ से ई पे जाएं, यानी कि नीचे से ऊपर जाएं, क्योंकि आपको पता है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कैसा होता है, ये आपका ए ई आई ओ, राइट। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, ओ से ई पे जाएं, तो उस केस में अगर ओ आपका ट्रू है तो आप ई के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कांट से। बट अगर आपका ओ फॉल्स है, अगर आपका ओ फॉल्स है तो ई भी हमेशा फॉल्स होगा। तो ये वही सिमिलर रिलेशन है जो मैंने ए और आई के बीच में बताए थे, यहां पे भी वो सेम रिलेशन है, राइट। तो अब मैं इनको आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करता हूं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अगर हम ई से ओ पे जा रहे हैं, सो अगर हम ई से ओ पे जा रहे हैं
तो मैंने आपको बताया अगर E ट्रू है तो O भी हमेशा ट्रू होगा, राइट। तो इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करता हूं। तो हमारी E स्टेटमेंट क्या बन जाती है, नो डॉग्स आर कैट्स, और हमारी O स्टेटमेंट क्या बन जाती है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो हमारी E एंड O स्टेटमेंट हो गई। अब मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो मान लीजिए हमारा वेन डायग्राम कुछ ऐसे है, दिस इज डॉग्स, दिस इज कैट्स, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नो डॉग्स आर कैट्स, ये आपकी ट्रू हो गई स्टेटमेंट, राइट। और सिमिलरली सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कि कुछ डॉग्स कैट्स नहीं है, वो भी ठीक है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर सारे डॉग्स ही कैट्स नहीं है तो कुछ डॉग्स भी तो कैट्स नहीं है, राइट। तो ये भी ट्रू हो गई। तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं, अगर ई फॉल्स हो जाए, इफ ई इज फॉल्स देन यू कैन नॉट से अबाउट ओ, तब हम ओ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मैं आपको दो केस दिखाता हूं जिसमें अगर एक केस में ई फॉल्स है तो ओ भी फॉल्स हो रहा है, और एक केस में ई फॉल्स है तो ओ ट्रू भी हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है, इसलिए वी कैन नॉट से, राइट। तो यहां पे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसे है, यहां पे डॉग्स, यहां पे कैट्स, राइट, और ये कॉमन एरिया। तो देखिए, नो डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो रही है क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स भी हैं, कॉमन एरिया है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो रही है। बट अगर आप इसकी बात करें, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स नहीं है, तो यहां पे ये ट्रू हो जाती है। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो रही है। बट यहीं पे मैं आपको एक और केस दिखाता हूं। मान लीजिए ये डॉग्स हैं एंड ये कैट्स हैं, तो डॉग्स जो हैं वो पार्ट है कैट्स का, राइट। तो यहां पे देखिए, नो डॉग्स आर कैट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सारे ही डॉग्स कैट्स हैं, ऐसा कोई भी डॉग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कह रहे हैं नो डॉग्स आर कैट्स, कि एक भी डॉग कैट का पार्ट नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पे तो सारे के सारे डॉग्स कैट का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो गई। अगर हम यहां पे आ जाएं, अब सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा यहां पे, क्योंकि यहां पे सारे के सारे डॉग्स कैट्स का पार्ट है, ऐसे कोई भी डॉग्स नहीं है जो कैट का पार्ट ना हो, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे फॉल्स हो रही है। तो आप खुद देखिए, अगर ये फॉल्स होती है ई स्टेटमेंट, तो ओ जो है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, इसलिए हमने यहां पे लिखा कैन नॉट से। तो ये था अगर हम ई से ओ पे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर हम ओ से ई पे आते हैं। तो अगर हम ओ से ई पे आते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर ओ ट्रू है तो हम ई के बारे में नहीं कह सकते कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, राइट। बट अगर ओ फॉल्स है तो ई भी हमेशा फॉल्स होगा। तो हमारी ओ स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और ई स्टेटमेंट क्या है, नो डॉग्स आर कैट्स। तो मैं आपको पहले वाला शो करता हूं, जिस केस में ओ ट्रू है तो ई ट्रू भी हो सकता है और ई फॉल्स भी हो सकता है। तो यहां पे है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो मान लीजिए हमारा रिलेशन डॉग्स और कैट्स के बीच में कुछ ऐसा है, ये डॉग्स ये कैट्स, यहां पे है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये जो डॉग्स हैं ये कैट्स का पार्ट नहीं है, तो दिस इज ट्रू। बट अगर हम इसकी बात करें, नो डॉग्स आर कैट्स, कि कोई भी डॉग्स ऐसे नहीं है जो कैट्स का पार्ट हो, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये वाले जो डॉग्स हैं ये तो कैट का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाती है, राइट। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए डॉग्स और कैट्स के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डॉग्स ये कैट्स, तो यहां पे देखिए सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है बिकॉज नो डॉग्स आर कैट्स, एक भी डॉग कैट का पार्ट नहीं है, तो कुछ डॉग्स भी तो कैट का पार्ट नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये स्टेटमेंट नो डॉग्स आर कैट्स, यहां पे ये भी ट्रू हो जाती है, तो यहां पे दोनों ट्रू हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया अगर ओ ट्रू होता है तो ई फॉल्स भी हो सकता है, ई ट्रू भी हो सकता है, इसलिए वी कैन नॉट से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ओ फॉल्स होगा तो ई हमेशा फॉल्स ही होगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो मान लीजिए आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसे है, ये इनर सर्कल डॉग्स, ये आउटर सर्कल कैट्स, तो सारे के सारे डॉग्स कैट्स का पार्ट है इस वेन डायग्राम में। अब हम देखते हैं ओ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स का पार्ट ना हो, क्या ऐसा हो रहा है इस डायग्राम में, नहीं हो रहा क्योंकि सारे डॉग्स कैट्स के पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। और अगर मैं इसकी बात करूं, नो डॉग्स आर कैट्स, तो यहां पे आप देखिए जब ये फॉल्स है
तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होगा ही होगा, क्योंकि सारे ही डॉग्स कैट्स का पार्ट है ना, जबकि ये तो बोल रहा है कि कोई भी डॉग कैट का पार्ट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ही है। तो ये फॉल्स है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, राइट। तो इस लेक्चर में हमने चार तरीके की स्टेटमेंट्स देख ली और उनके बीच में रिलेशन देख लिया, कॉन्ट्ररीज, सब कॉन्ट्ररीज, कॉन्ट्राडिक्टरीज और सब ऑल्टर्न, राइट। तो मैं इसको एक समराइज फॉर्म में आपको बता देता हूं। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है मैंने उसको यहां पे समराइज कर दिया है। पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, तो ए और ई कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मैंने आपको यहां पे बताया था यहां पे तीन केस पॉसिबल है, ए ट्रू है, ई फॉल्स है, ई ट्रू है, ए फॉल्स है, या फिर दोनों फॉल्स है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ऐसे सिमिलरली अगर मैं सब कॉन्ट्ररी की बात करूं तो मैंने आपको यहां पे बताया कि आई एंड ओ जो है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, दोनों ट्रू हो सकती है या फिर एक ट्रू हो सकती है दूसरी फॉल्स हो सकती है, बट दोनों कभी भी फॉल्स नहीं होंगी। फिर हमने बात करी थी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की, तो यहां पे दो पेयर है ए एंड ओ और ई एंड आई, तो यहां पे मैंने आपको बताया था एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स होगी, यानी कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते और दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। एंड फाइनली हमने डिस्कस करा सब ऑल्टर्न स्टेटमेंट्स, तो यहां पे एरो का काफी बड़ा रोल है, यहां पे आप ध्यान दीजिए। तो अगर यहां पे ए ट्रू होती है तो आई भी हमेशा ट्रू होगी, यानी कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, बट अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉल्स है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में हम नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, तो अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है तो यूनिवर्सल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स है तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी हमेशा फॉल्स होगी। तो एरो का आप ध्यान रखें, पहले के दो एरो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं और नीचे के दो जो हैं वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे आ रहे हैं, और यही सेम रिलेशन आपका ई एंड ओ में भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना सिंपल टॉपिक है ये, बट स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये टॉपिक काफी मुश्किल लगता है और उनको इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैंने आपको इजी वे में आपको टॉपिक ये करा दूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें कुछ नया लगा हो, कुछ बेटर समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और वीडियोज भी ऐसी लेकर आ पाएं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो इस टॉपिक पर नहीं देखी है वो जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, हैव अ गुड डे and stay tuned to our channel. Thank you.